रतनपुर से पेंड्रा मुख्य मार्ग से सिल्ली पोंडी जिला पाली की ओर जाने वाले रास्ते पर सड़क चौड़ीकरण का काम चालू है, जहां बीती रात लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार ने जेसीबी से 26 अलग अलग प्रजाति की इमारती लकड़ी के पेड़ों को गिरवा दिया। इसमें एक पेड़ साजा, 7 पेड़ साल, 17 अन्य प्रजाति के पेड़ शामिल हैं। इस ग्रामीणों ने सुबह जब देखा तो उन्होंने वन रक्षक को मामले की जानकारी दी, जिस पर वन रक्षक द्वारा अपने वन परिक्षेत्र के दास और रेंजर शांता कश्यप को जानकारी दी। उन्होंने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और बिना पंचनामा बनाए पेड़ों को वन विभाग की गाड़ियों में भरवाकर वन विभाग के टाल में रखवा दिया। जब वन विभाग के दस्ते ने लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर से सवाल किया तब उन्होंने ठेकेदार का काम कहकर मामले को ठेकेदार की ओर कर अपना पल्ला झाड़ दिया। वन विभाग के अधिकारियों ने बिना आदेश के पेड़ काटे जाने पर जब कार्रवाई की बात की तो ठेकेदार द्वारा अपने किसी अन्य कर्मचारी के नाम पर कार्रवाई करने के लिए वन विभाग के अधिकारियों से साठगांठ करने की कोशिश खुलेआम करने लगा। इन पेड़ों की कीमत वन विभाग द्वारा लगभग 53,000 रूपए बताई गई है। इस पर ठेकेदार ने मात्र 12,000 रूपए देकर मामले को चलता करने की कोशिश की। वन विभाग के अधिकारी ने मात्र 12,000 लेकर बिना कोई कार्रवाई या पंचनामा किए बगैर पेड़ों को अपनी शासकीय वाहन में भरकर ले जाने लगे। इस पर जब वो विभाग के अधिकारियों से हमारे प्रतिनिधि ने मामले में कार्रवाई के संबंध में जानना चाहा तो उन्होंने बताया अभी 12,000 तात्कालिक राशि दंड स्वरूप ली गई है, इसलिए उनकी रसीद भी नहीं काटी गई। जब पूरे पेड़ों के वास्तविक कीमत का अनुमान लग जाएगा तब कुल 53,000 रूपए वसूल किए जाएंगे। फिलहाल मामला 12,000 रूपयों में खत्म होता दिखा। ये पहला मामला नहीं जब रतनपुर वन परिक्षेत्र के अधिकारियों द्वारा इस तरह का कार्य किया गया। उन्हीं की उदासीनता के कारण हरे भरे वन लगातार काटे जा रहे हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई वन विभाग के अधिकारियों की साठगांठ को दर्शाती है। ताहिर अली, रतनपुर, बिलासपुर।